वैसे फाइटर डे 7 पर एंट्री मार चुकी है और बुरे हाल चल रहे हैं, क्योंकि मेकर्स ने बहुत कोशिश करी और बहुत बड़ा मुद्दा उठा के रखा मूवी में। भाई पुलवामा से रिलेशन एंड कनेक्शन सेट करने की कोशिश करी, देन उसके बाद एयर स्ट्राइक किस हिसाब से करी गई है वो भी जबरदस्त विजुअल इफेक्ट्स के साथ। मतलब मेकर्स ने, सिद्धार्थ आनंद डायरेक्टर ने और अपने मेन लीड में ऋतिक रोशन बाबा ने, उसके बाद सपोर्टिंग में दीपिका पादुकोण, अनिल कपूर, जिनसे जितना हो पाया उन्होंने 100% एफर्ट मारा है इस मूवी में। बावजूद इसके भाई बॉक्स ऑफिस में उतनी खरी नहीं उतर रही है, लोगों को पसंद आई, बिल्कुल पसंद आई भाई, रिव्यू पॉजिटिव मिले। जब ट्रेलर आया था ट्रेलर को भी रिव्यू पॉजिटिव मिले हैं, लेकिन पॉजिटिव रिव्यू के बाद सिर्फ उछाल हमें हॉलीडेज पर देखने को मिली है, लाइक हमें 26 जनवरी, देन उसके बाद सैटरडे संडे में देखने को मिली। लेकिन भाई मंडे एंड ट्यूजडे जो ये 2 दिन गुजरे हैं, यहाँ से भाई मूवी की हालत जो है चरमराने लग गई है। और आज है वेडनेसडे वर्किंग डे, आज भी कोई इतनी अच्छी कमाई करते नजर नहीं आ रही है, लेकिन ठीक है, मंडे में जिस हिसाब का कलेक्शन हमें देखने को मिला है वही ट्यूसडे में फॉलो करते आई है, एंड देन उसके बाद आज वेडनेसडे में भी वही स्टेडली, मतलब वही ग्रोथ अभी सेम चलते नजर आ रही है। तो भाई अभी बात करेंगे इससे क्या कलेक्शन अभी तक कर लिया है, कल कैसा रहा है मूवी के लिए, ओवरऑल ऑक्यूपेंसी कैसी रही, देन उसके बाद ये कितना और चल सकती है, कितना कलेक्शन और कर सकती है, अभी तक कितना कर लिया है, उसके बाद एडवांस से कितना इसके खाते में आ चुका है, तो अभी सारी चीजों पर बात करेंगे। उससे पहले क्या करना है, वीडियो को लाइक नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए शुरू करते हैं भाई साहब। कल डे 6 की बात करें तो ओवरऑल ऑक्यूपेंसी कल 12-13% की थी, जहां नेट इंडिया से अर्ली एस्टिमेट है 7,75,00,000 के आसपास। जो देखा जाए तो मंडे के हिसाब से, जैसे मंडे में 8 करोड़ के आसपास थी, तो स्टेडली ग्रोथ है, बहुत ज़्यादा डाउनफॉल नहीं देखने को मिला, क्योंकि लग रहा था कि भाई मंडे में जब इतना ज़्यादा डाउनफॉल आ गया तो भाई ट्यूसडे में क्या होगा, लेकिन नहीं, स्टार्ट वही बढ़िया चल रहा है। ग्रॉस कलेक्शन 10 करोड़ के आसपास और टोटल नेट इंडियन कलेक्शन यानी पहले 6 दिन में कल एंड ऑफ द डे तक हो गया है 134,25,00,000। ग्रॉस इंडियन कलेक्शन 162 करोड़ और पूरी दुनिया से 228 करोड़ का वर्ल्ड वाइड लाइफ टाइम कलेक्शन इस मूवी ने कल एंड ऑफ द डे तक कर लिया, यानी कल पहले 6 दिन में। आज डे 7 कैसा चल रहा है भाई साहब, आज डे 7 भी कल की तरह ही चल रहा है, बहुत ज़्यादा डाउनफॉल नहीं कहेंगे। नाम फाइटर था मूवी में, कास्ट जो है दमदार थी, बावजूद इसके भाई जो उम्मीद लगाई जा रही थी कि यार ठीक है 1,000 करोड़ ठोक के जाएगी, क्योंकि ट्रेलर देख के फुल वाइब आ रहा था, जैसा पठान, जवान, सलार एंड डंकी, देन उसके बाद एनिमल मूवी के जो ट्रेलर थे उसके बाद जो फुल वाइब चल रहा था, जो प्रिडिक्शन चल रही थी कि भाई 1,000 करोड़ ठोक के जाएंगे, वही प्रिडिक्शन यहाँ पर भी सेट होते नजर आ रही थी। लेकिन ओवरऑल ऑक्यूपेंसी भाई आज की है 12% के आसपास, एडवांस बुकिंग 1.5 करोड़ के आसपास ही हुई है, ज़्यादा नहीं हुई है। नेट इंडिया से अर्ली एस्टिमेट 7 करोड़ के आसपास आज एंड ऑफ द डे तक ये मूवी कवर करते नजर आ रही है। ग्रॉस इंडियन कलेक्शन 9 करोड़ के आसपास, तो ऐसे में पहले 7 दिन में यानी आज फर्स्ट वीक जब ये मूवी कंप्लीट कर लेगी तो एंड ऑफ द डे तक टोटल नेट इंडियन कलेक्शन 141,25,00,000 हो जाएगा और ग्रॉस इंडियन कलेक्शन 171 करोड़। पूरी दुनिया से लाइफ टाइम कलेक्शन आज फर्स्ट वीक में हो जाएगा 240 करोड़, जो बजट के स्लाइटली आसपास पहुंच रहा है। लेकिन भाई साहब इस मूवी से उम्मीद थी कि 500 करोड़ तो ठोक के जाए, क्योंकि भाई मसाला में बहुत सी मूवीज 1,000 करोड़ ठोक के गई हैं। लेकिन भाई साहब जो देशभक्ति वाली भावना थी, जो पैट्रियोटिज्म इस मूवी में दिखाया गया है, जो रियल इंसिडेंट को बहुत ही अच्छी तरीके से पेश किया है, भाई पाकिस्तान की धज्जियां उड़ा के दिखाया है, मतलब कोई औकात नहीं है उसकी हमारे एयरफोर्स के सामने, हमारे मिलिट्री डिफेंस के सामने, वो सारी चीज़ें ज़बरदस्त थी इसमें। भाई पूरी दुनिया से 240 करोड़ लाइफ टाइम कलेक्शन कितना कर सकती है, क्या 300 करोड़ भाई कहना जल्दीबाजी हो जाएगी, लेकिन फिर भी 300 करोड़ के आसपास ये मूवी कवर करते नजर आ रही है। तो कितना होगा भाई आप लोग बताएंगे नीचे कमेंट्स में। मिलते हैं अगली वीडियो में, जय हिंद।